हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं कि गांव में लास्ट डे हम लोगों का कैसा रहा। दो दिन के लिए गए थे, एक दिन तिलक अटेंड किए, दूसरे दिन भी तिलक था, लेकिन उसकी जो स्टोरी है वो भी आपको बताएँगे कि क्या हुआ। तो यहाँ पर हम लोग सीतामढ़ी मंदिर से निकल चुके हैं घर के तरफ, क्योंकि शाम की तिलक थी तो हम लोग सोचे जल्दी जल्दी से घर पहुंच जाए। और ये हम अपने गांव में आ गए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सब कुछ हरियाली, ये हमारे घर का मतलब हमारे यहाँ का बगीचा है, जिसमें बचपन में हम लोग बहुत सारे आम तोड़ने आया करते थे। और बहुत अच्छा लगता था गांव में घूमने, जब हम लोग मतलब गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे ना, तो कभी आंधी आए, तूफान आए, तो हम सारे भाई बहन और जो हमारी बुआ वगैरह होती थी सब लोग मिल के चले जाते थे बगीचे में आम तोड़ने। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो होता है ना कि सबके साथ में और भी ज़्यादा मस्ती होती, तो सारे लोग जाते थे तो हम लोग भी चले जाते थे इस बगीचे में आम तोड़ने के लिए और बहुत इंजॉय करते थे। तो बस ये बगीचा देख के वो सारी बातें भी याद आ गई। इसके बाद आपको लेके चलते हैं हमारे गाँव के उस मंदिर पर, जहाँ पर जब भी हमारे यहाँ से किसी भी दूल्हे की बारात जाती है तो वहाँ पे हम लोग ज़रूर जाते हैं, उसके बाद ही बारात आगे के लिए निकलती है। तो ये रहा वो मंदिर जहाँ पे हम लोग के घर से कोई भी बारात जाती हो, मतलब किसी भी लड़के की शादी जब भी होती है ना, तो इस मंदिर में बिना दर्शन किए वो आगे नहीं जाते। तो हमारे यहाँ जब भी किसी लड़के की शादी होती है ना, तो यहाँ इस मंदिर में बारात का रुकना और दूल्हे का दर्शन करना इस मंदिर में कंपलसरी होता है, यहाँ ज़रूर आते हैं। पहले तो ये छोटी सी जगह में था, अभी काफ़ी अच्छे से बना दिया गया है और मंदिर को थोड़ी ऊंचाई पे कर दिया गया, नहीं पहले मतलब नीचे था। तो यहाँ भी हम बोले कि चलो घर चलते चलते यहाँ भी हम लोग एक बार दर्शन कर ही लेते हैं। और इस बार क्या हुआ कि जब बाद में हम वीडियो एडिट करते जा रहे एक के बाद एक, तो यही समझ में आया कि 3-4 मंदिर के दर्शन हम लोग किए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इसी बहाने मुनमुन भी हर चीज़ देखी गांव की, समझी, और उसको भी सारी बातें जब बताते जा रहे थे तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मुनमुन को ये भी बताया कि ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे हर दूल्हे की बारात रुकती है और जो दूल्हे होते हैं वो यहाँ पे दर्शन करके ही आगे जाते हैं। तो उससे भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुनमुन के थे जिनके आंसर हम करते जा रहे थे। और ये हमारे गांव से निकलते ही मतलब बगीचा जो हमारा है उसके ठीक सामने ये मंदिर पड़ता है, और मंदिर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा तालाब है और उस तालाब का नाम है तारा। तो बचपन में हम लोग ना जब गर्मी की छुट्टियों में आया करते थे गांव पे, तो हम लोग बुआ और बड़ी दीदी के साथ ना गुड़िये गुड्डे का खेल कर मतलब खेला करते थे कि गुड़िया गुड्डा कपड़े से बना रहे हैं, उनकी शादी कर रहे हैं, फिर शादी के बाद इस तालाब में आते थे उस गुड़िये गुड्डे को मतलब पानी के अंदर डालने। तो एक बार इस तालाब में हम डूबते डूबते भी बचे थे, और उसमें मेरी शायद जान भी जा सकती थी, लेकिन मेरी जो बुआ थी रीना बुआ, आज भी हमको याद है, वो हमको बचा ली थी। तो बचपन की बहुत सारी बातें, खट्टी मीठी यादें हैं जो सब याद आ रही हैं। और ये तालाब के जस्ट बगल में ये हमारा बगीचा है आम का पूरा, तो इधर तालाब है, उस साइड बगीचा है, और तालाब के ऑपोजिट साइड में एक स्कूल है, जितना सब हम जानते हैं वो सब आपको भी बताते जा रहे थे। ये सारी बातें ना मुनमुन को भी बता रहे थे तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, और मंदिर भी आके देखे तो काफ़ी चेंज हो गया है, सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद अब हम लोग घर जाने वाले हैं, क्योंकि शाम की एक और तिलक है हमारे घर पे ही, और बस जल्दी जल्दी से था कि हम लोग टाइमली घर पहुंच जाए और जो तिलक है उसके लिए भी तैयारी करें और शाम को अच्छे से तिलक अटेंड कर सके। तो यहाँ पे ये मंदिर आप लोग देख लीजिए, छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ पे हर दूल्हे की बारात रुकती है और दूल्हा यहाँ से भगवान जी के आशीर्वाद लेके ही आगे निकलते हैं अपनी शादी के लिए। तो बस अब हम लोग भी घर जा रहे हैं, और घर आने के बाद मुनमुन अपने नानी के सर को बार बार इस तरीके से देख के ढक रही थी कि आप यहाँ के दुल्हन हो ना, सर ढको। उसको उसकी नानी ना सर ढके हुए बहुत प्यारी लग रही थी, और साड़ी में वैसे भी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए श्रेयांशी डांस कर रही है, और हम लोग के आने के बाद ना पता चला कि तिलक हो चुका था। Thank you.
तिलक तो हमारे आने से पहले ही हो गया था, लेकिन डांस तो करना ही था। तो यहाँ पे हमारी भाभी और श्रेयांसी, मुनमुन, ये सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। गाना बज रहा था बाहर और घर के अंदर ये लोग अपनी मस्ती कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि तिलक रात में, हम लोग सोचे कि रात में होगा, वो भी हमारे चाचा के ही बेटे की तिलक थी आज। तो हम लोग सोचे कि रात का फंक्शन है, तब तक हम लोग घूम के आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि तिलक का जो मुहूर्त था वो 2 से 5 के बीच का रहा, तो आधे से ज़्यादा लोग को क्लियर ही नहीं था टाइम। इस वजह से काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया वो तिलक की सारी रस्में, और हमारे आते आते तक तिलक हो चुका था। तो अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे बड़ी मम्मी के घर आ गए हैं उनसे मिलने, क्योंकि इतने सालों बाद आए थे ना, तो सबसे मिलना भी था और सबके पास थोड़ा थोड़ा टाइम भी देना था। और टाइम हमारे पास खुद बहुत कम था, 2 दिन में इतनी बड़ी फैमिली में सबसे मिलना, सबको टाइम देना, सबसे बातें करना, तो 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और अभी देखिए एकदम रात हो गई है, तो सारे लोग खाना वाना भी खा चुके हैं, कुछ लोग अभी बाकी थे खाना खाने के लिए। तो हम लोग भी अभी खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग गांव से निकलना है वापस। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह। देखो देखो देखो, वहाँ सारा दुनिया आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को गांव का ये व्लॉग पसंद आया होगा, या इससे पहले जो भी गांव के व्लॉग्स आप सभी के साथ शेयर किए आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले 2-3 व्लॉग्स भी आप ज़रूर वॉच करिएगा, आप सभी को अच्छा लगेगा। और
अब हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं गांव से, और गांव आके बहुत अच्छा लगा, सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो जो भी मेरे पास मेमोरीज़ थी, छोटी छोटी क्लिप्स थी, वो ब्लॉग के ज़रिए आप सभी के साथ शेयर किए हैं, ताकि आप सभी भी हमारे गांव को देख सकें, सब कुछ इंजॉय कर सकें, और ये मेमोरीज़ के तरीके से हमेशा मेरे पास सेव रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने इंजॉय किया होगा, और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और सुबह सुबह गांव में देखिए कितनी ज़्यादा ठंड है, एकदम कोहरा कोहरा है। हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे ताकि टाइमली हम लोग घर पहुँच सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।